अगर पति पत्नी अपने रिश्ते से नाखुश हैं, तो उन्हें एक साथ रहने को मजबूर करना क्रूरता है। देखिए, हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पति पत्नी आपसी रिश्ते से नाखुश हो तो उन्हें साथ रहने के लिए विवश करना क्रूरता होगी। कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय से अलग रह रहे दंपत्ति को एक साथ लाने की बजाय उनका तलाक कर देना अधिक जनहित में है। कोर्ट ने कहा है कि पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, समझौते की गुंजाइश खत्म हो गई है, झूठे केस कायम किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि झूठे केस में फंसना क्रूरता है। साथ ही साथ दहेज उत्पीड़न केस में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की और अपीलार्थी अदालत से परी कर दिया है। देखिए, कोर्ट ने स्थायी विवाह विच्छेद के एवज में पति को 3 महीने में 1 करोड़ रुपए पत्नी को देने का निर्देश दे दिया है। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो यह 6% ब्याज देना होगा और साथ ही साथ इसको स्वीकार कर लिया गया है इस अपील को और कहा है कि अब पति को 3 महीने में अपनी पत्नी को 1 करोड़ रुपए देने होंगे और ऐसा नहीं करने पर 6% ब्याज देना होगा। यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैवाहिक रिश्तों पर यह अहम टिप्पणी करते हुए भी कहा है कि रिश्ते से अगर पति पत्नी नाखुश है तो उन्हें एक साथ मजबूर करना सही नहीं है, बेहतर होगा कि उनका तलाक हो जाए और तलाक देना ही यही सही और उच्च निर्णय रहेगा।